कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि में महवा मंडी में 550 आढ़तियों, पहरकारों और वाहन चालकों का थर्मल स्कैनिंग कराया गया। इस संबंध में मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि मंडी में काफी भीड़ भाड़ होती है, इसको देखते हुए मंडी में थर्मल स्कैनिंग करवाई जा रही है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। मंडी में आढ़ती हो या वाहन चालक हो, उसके मास्क लगाने के बाद ही आने दिया जा रहा है और सबको यह बताया जा रहा है कि एक एक मीटर की दूरी बना कर रहें, अपनी दुकान पर सैनिटाइजर जरूर रखें और समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, ए भैया एक मीटर लाल शर्ट पीछे नंबर तो टाइम चाहेगा और पीछे सेवाराम वर्मा मंडी सचिव गोरखपुर। मंडी स्थल में आने वाले फुटकर व्यापारियों, पैकारों, वाहन चालकों, आरतियों सबकी आज थर्मल स्कैनिंग कराई गई और ये थर्मल स्कैनिंग का कार्य अगले दिनों में भी जारी रहेगा। समस्त आने वालों को ये बताया गया कि बिना मास्क के कदाप घर से ना निकलें और मास्क सही ढंग से लगाएं जिससे मुंह नाक दोनों ढका रहे, कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर चलें, समय समय पर अपना हाथ साबुन से धुलते रहें, हाथ भी कम से कम 20 सेकंड तक अवश्य धुला जाए। मंडी स्थल में ही जगह जगह टोटी लगी हुई है लेकिन तीन जगहों पर सैनिटाइजेशन है तो लिक्विड हैंड वॉश और कंटेक्ट लेस ये वाटर टैंक की व्यवस्था कराई गई है जिससे कि वो हाथ धुल सकते हैं। सभी व्यापारियों आतियों को भी निरंतर और पैकारों के लिए भी निरंतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरे मंडी स्थल में ये संदेश दिया जा रहा है कि बिना मास्क के ना चलें, दूरी बनाकर चलें और नियमित रूप से अपना हाथ धुलें। प्रत्येक आढ़ती व्यापारी अपनी दुकान पर सैनिटाइजर जरूर रखे, स्वयं भी इस्तेमाल करें और आगंतुकों को भी इस्तेमाल करने के लिए दें।